नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर के बुझमाड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जवानों ने 8 माओवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में एसटीएफ का एक जवान शहीद हो गया, वहीं इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में नक्सली सामान, इंसास राइफल, 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार व अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई है। मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सलियों पर आईजी बस्तर पी सुंदर राज ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। हमारे 3 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं और उनमें से एक की जान चली गई, बाकी 2 को एयरलिफ्ट कर रायपुर ले जाया गया है और दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं एसपी प्रभात कुमार ने बताया, 2 दिन पहले हमारे पास सूचना मिली थी जिसके आधार पर 4 जिलों से सुरक्षा कर्मियों ने खोज अभियान चलाया। पिछले 2 दिनों से मुठभेड़ जारी थी, तब मुठभेड़ खत्म हुई तब हमें 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली के शव बरामद हुए। नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ये कब लॉन्च किया गया और इसमें क्या कुछ सफलता है? 2 दिन पहले नक्सलों की आसूचना थी, उस आसूचना पे मार के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की एलिट फोर्सेस, 4 जिलों की एलिट फोर्सेस, डीआरजी और एलिट एसटीएफ, इसके अलावा आईटीबी पर बीएसएफ के कंपोनेंट्स, 4 जिलों में कांकेर, नारायणपुर, दांतेवाड़ा और कोंडागांव, 4 की डीआरजी थी, एसटीएफ का एक बड़ा कंपोनेंट था और इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ के कंपोनेंट्स थे। अलग अलग क्षेत्रों से मार के क्षेत्र में नक्सल सर्च अभियान में निकले थे और पिछले 2 दिनों से मार के विभिन्न क्षेत्रों में सर्च अभियान जारी था, मुठभेड़ भी जारी था और आज सुबह जब मुठभेड़ का एक एपिसोड खत्म हुआ तो उसके बाद सर्च में हमें 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली की बॉडी बरामद हुई है। इसमें हमारे एक जवान को जान की शहादत देनी पड़ी है, नितेश एक का, जो कि जसपुर के रहने वाले हैं, वो शहीद हुए हैं। 2 जवान घायल हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है और रायपुर में इलाज के लिए भेजा गया है। सर, मारे गए नक्सलियों में क्या कुछ बड़े इनामी नक्सल या बड़े कैडर भी मौजूद हैं? ऑपरेशन जारी है, अभी तक डिटेल्स नहीं आई है और शिनाख्ती नहीं हो पाई है। जब फोर्सेज बाहर आएगी, फोर्सेज बाहर आने में समय लगेगा, उसके बाद फिर हम उसकी डिटेल दे पाएंगे। सर, अबुझमाड़ के क्षेत्रों में भीषण गर्मी में जो है जवान जो है वो नक्सल ऑपरेशन में जाते हैं, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो अबुझमाड़ इसका ऑपरेशन और इन जनरल नक्सल ऑपरेशन, ये ऑपरेशन सबके ऊपर कल हम एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे शाम में 3-4 बजे के आसपास, तो विस्तार से हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। कुछ दिनों पहले हमें मार्ग के कोड़ता मार्ग का फरसबेड़ा के क्षेत्र में नक्सलों की एक बड़े फॉर्मेशन की सूचना मिली थी, उसके आधार पर 4 जिलों की एलिट फोर्सेस डीआरजी, जो कि कांकेर, नारायणपुर, दांतेवाड़ा और कोंडागांव, 4 की डीआरजी टीम, इनके साथ एलिट एसटीएफ की टीम और साथ में बीएसएफ और आईटीबीपी के कंपोनेंट्स, ये सब मिलकर एक संयुक्त अंतर जिला अभियान चलाया गया था, नक्सलों का सर्च अभियान चलाया गया था। 2 दिनों से सर्च अभियान जारी था मार के विभिन्न क्षेत्रों में और कल से लगातार मुठभेड़ जारी थी नक्सलियों के साथ। आज सुबह तेजी से भीषण मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ के बाद हमें 8 वर्दीधारी और हथियारबंद नक्सली के शव बरामद हुए। दुख की बात यह है कि इसमें हमारे एक जवान, एसटीएफ के जवान श्री नितेश एक्का को अपने जान की शहादत देनी पड़ी और इसके अलावा 2 जवान घायल हैं जिनको मौके से ही हेलीकॉप्टर भेजकर रेस्क्यू किया गया और रायपुर में उनका इलाज कराया जा रहा है। दोनों की स्थिति स्थिर है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। बाकी डिटेल कल शाम में जब हम डिटेल प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तो दे देंगे। आज दिनांक 15 जून को जिला नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोटर संगठन की कैडर्स की उपस्थिति की आसूचना पर जिला नारायणपुर, जिला कांकेर, जिला दंतेवाड़ा का डीआरजी, एसटीएफ एवं बीएसएफ, आईटीबीपी के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज दिनांक सुबह 7 बजे से लगातार फरसबेड़ा और खातुनमेटा इलाके में माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 8 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उन सब माओवादियों के शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है और इस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान घायल हुआ, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक जवान का शहादत हो गई, बाकी 2 घायल जवान का भी एयरलिफ्ट करके रायपुर में इलाज जारी है। दोनों का जवान का स्थिति अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है और मुठभेड़ में घटनास्थल सर्चिंग के पश्चात एक इंसास, 2 .303 और काफी बड़ी मात्रा में अन्य जो बोर वेपन और बीएलजी लॉन्चर्स और शेल्स भी बरामद की गई। अभी भी आसपास इलाके में सर्चिंग जारी है, सर्चिंग के पश्चात और डिटेल्स हम शेयर करेंगे।